प्रदेश में दिन प्रतिदिन महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, इससे निजात दिलाने के लिए देवालपुर में महिला एवं बाल विकास बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुण सिखा रहा है। प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर अपराजिता कार्यक्रम के तहत छात्राओं को जूडो कराटे आदि का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। देश व प्रदेश में महिलाओं व बहन बेटियों पर हो रहे अत्याचारों से लड़ने के लिए शुक्रवार को देपालपुर के कन्या हाई सेकेंडरी स्कूल में स्कूली छात्राओं को ट्रेनर आकांक्षा व मास्टर ट्रेनर जयपुरी द्वारा कराटे सिखाए जा रहे हैं। यहां ट्रेनर आकांक्षा ने बताया कि छात्राओं को स्वयं की आत्मरक्षा के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग के सुपरवाइजर पुष्पलता यादव ने बताया कि महिला बाल विकास विभाग एवं स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा ये कार्यक्रम 15 दिनों तक चलेगा, जिसमें 88 छात्राएं भाग ले रही हैं। ठीक है, पूरा टाइट अपनी मुट्ठी बांधना है, पाँव पूरा टाइट करना है पीछे वाला, ठीक है, पूरी फोर्स के साथ छुड़ाना है, पंच मारना है, ठीक मारनी है और रन करना रहता है। ठीक है, अपराजिता कार्यक्रम शुरू किया है महिला बाल विकास और खेल कल्याण विभाग और स्कूल विभाग की तरफ से। इसमें 15 दिन का प्रशिक्षण है, 80 बालिकाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है और मैडम आते हैं इंदौर से, यहाँ के लोकल के हैं खेल विभाग के टीचर, उनके द्वारा कार्यक्रम मतलब लड़कियाँ सेल्फ डिफेंस के बारे में सीख रही हैं, डिफेंस के लिए रखा गया है। हमें इस अभी जो लड़कियों बच्चियों के साथ जो दुर्घटनाएं होती रहती है, इससे बचने के लिए हमें यह सीखना आवश्यक है। बीमारी आती है सर, ये खेल युवा कल्याण विभाग महिला बाल विकास और शिक्षा विभाग की तरफ से इन्हें 15 दिन का एक शिविर रखा गया है, जिसमें हम इन्हें सेल्फ डिफेंस सिखा रहे हैं, लड़कियाँ अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकती है, क्योंकि आज के दौर में अगर अपन देखा जाए तो कहीं भी कोई भी लड़की सुरक्षित नहीं है, दिन हो रात हो कोई भी हो, तो उसी के रिगार्डिंग इन्हें हम यहाँ पर महिला दिवस से स्टार्ट हुआ है ये शिविर, जहाँ हम इन्हें सेल्फ डिफेंस क्लासेस दे रहे हैं कि अपनी खुद की आत्मरक्षा कैसे कर सकती है। और इसमें साथ में मेरे जय सर है, महिला बाल विकास से मैम है पुष्पलता, तो उसी के रिगार्डिंग हम यहाँ गर्ल्स को कुछ तैयार कर रहे हैं, तो इनको हम आगे तक ले जाना चाह रहे हैं कि ये कुछ आगे सीखे, आगे हम इन्हें अच्छे लेवल पे ले जा सके, ताकि नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पर भी जा सके।